श्रीमती गीता कोड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष महोदय, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मैं इसके लिए माननीय सदस्य पिनाकी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो प्रश्न किया है महिला सरपंचों के अधिकारों के प्रति, तो क्योंकि एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं महिला जनप्रतिनिधियों के जो सबसे निचले स्तर, जो निचले पायदान की महिला जनप्रतिनिधि है, मैं उनके समस्याओं को इस सदन में रखना चाहूंगी। मैं जिस राज्य से आती हूं उस राज्य को नया राज्य है और वहां 2010 से पंचायती चुनाव हुए हैं और आज उन क्षेत्रों में आज वहाँ की महिलाएं, वहाँ के सरपंच, वहाँ के मुखियागण डर के माहौल में जी रहे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कई योजनाएं वहाँ भेजे जा रहे हैं। मैं उसी पर आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। आज वहाँ के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं क्योंकि उनको जो भी योजनाएं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर आप सचिव उनको नहीं दे रहे हैं, वहाँ आप इंजीनियर नहीं है, जिसके वजह से वो जो भी योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज सभी जाँच के घेरे में है और आधे से अधिक मुखिया सरपंच वो जेल में है अध्यक्ष महोदय। तो ऐसे में कैसे काम होगा पंचायतों का, ऐसे में कैसे वहाँ इम्प्लीमेंट होगी जो सरकार की योजनाएं जा रही है। आज बकरी सेठ के नाम पर कई मुखिया आज जेल के अंदर में है, आज छोटे छोटे योजनाएं जितनी भी हो रही है सब पे आज जांच बैठा करके लोग, बड़े बड़े अधिकारी चाहे वो ब्लॉक स्तर के बीडीओ हो, सीओ, ये लोग सारे वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जो मुखिया है, जो मुखिया गण है वो आज जेल के अंदर में। मैं बस ये चाहती हूँ कि इनको पूर्ण अधिकार दिया जाए और जो वहाँ पर जो अधिकारी है, चाहे सचिव हो, इंजीनियर हो, संबंधित ये के इंजीनियर हो, वो उनको पूर्ण हैंड उनको दिया जाए, ये मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।